सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। बारिश वाला मौसम, सैटरडे का दिन है, यहाँ पे लंच में हो रहा है आज बर्गर। तो बर्गर के लिए जो हम सारा फूड से टिक्की लाते हैं ना, बर्गर की चीजी वाली टिक्की, पिज्जा चिली, पिज्जा वाली चिली वाली टिक्की आती है, पिज्जा चिली क्या बोल रही हूँ, पिज्जा टिक्की आती है, तो वो यूज करने वाले हैं। वही लिखा हुआ है पैकेट में, हाँ पिज्जा बर्गर, देखो पिज्जा बर्गर वाली टिक्की, हाँ वैसा लिखा हुआ है, कितने नाम में बोल गई, पर वो है। तो वो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि वीकेंड आता है ना, तो उन लोगों को शाक रोटली नहीं खाना होता। वैसे भी मेरे घर में कम ही शाक रोटली बनते हैं, दूसरी दूसरी चीजें ज्यादा बनती हैं, पर फिर भी मुझे खुद से ही होता है कि वीकेंड में कौन शाक रोटली बनाता है। तो इसीलिए बस अभी बन रही है बर्गर बच्चों के लिए और सबके लिए। आज जाना है बच्चों को लेके फार्मलैंड में, क्योंकि शिवांश का जो वो आया था ना सर्टिफिकेट टाइम टेबल्स में, तो उसका तीसरा नंबर आया था, तो वो बहुत एक्साइटेड था, तो बोल रहा है कि मुझे कुछ ट्रीट दे दो। तो मैंने बोला कि पाउंडलेट से जो चाहे वो ले लो, क्योंकि अभी पाउंडलेट में से पाउंडलेट रहा नहीं है, पाउंड की चीजें कम मिलते हैं, ज्यादा पाउंड की ज्यादा मिलती है। तो अभी देखते हैं वहां पे क्या अच्छा लगता है, टाउन में है तो हमारा टाउन भी दिखाएंगे कि कैसा है। तो टाउन में जाने का प्लान किया हुआ है, अभी कितने 1:30 अराउंड हुए हैं। देखिए चीजी चीजी वाली टिक्की आती है पूरी बर्गर की, वो ये अच्छी लगती है बच्चों को। तो ये हो गया हमारा बर्गर रेडी, क्विक एंड इजी, यहाँ पे है तैयार। और उसके बाद कहाँ जाना है शिव? पाउंडलैंड। शिव बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको पाउंडलैंड में। शॉपिंग तारुगम है ना, बता नहीं हूँ जो। चलो लंच कर लो फिर निकलते हैं, ठीक है? दिस इज गोना बी टेस्टी। व्हाट हैपेंड? आई हर्ड। So, you can stay home, Anna, then. Yeah, because you watch too much tablet. I'll get you stuff. So, what do you want? Pencils. Kidding. Stickers. Kidding. Kitla luchas hai. Kidding. Kitla luchas hai. Kitla luchas hai. Kitla luchas hai. Kitla luchas hai. Kitla luchas बताओ तो। गोल्डन कॉइन। गिरीश अपने लंडन में आया ने त्यार ना यूके में आवी मळे छे, हजी मळे। आई थिंक एक एक बेबे ओछी करता जाय आ लोको पाउनी। आदी आ तो ओरेंज वाली लागे छे, लेट मी सी। ना 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 नॉर्मल जे छे। ઈ તો હું ડિસાઈડ કરીશ ને તું ક્યારે બિહેવ ગુડ કરે છે। ઓકે હા બધું મળે, પાઉન્ડલેન્ડ થી વધારે જ મળે બધું। આ લાવતી પાઉન્ડ પાઉન્ડ ના હું એડવેન્ટ કેલેન્ડર્સ 250 ના થઈ ગયા। આ છે ને 1st of December એ ઓપન કરવાનું। હા તો યે એડવેન્ટ કેલેન્ડર યે હોતા હે 1st of December સે સ્ટાર્ટ કરના હોતા હે, યે 1st of December તો અભી ઓપન કરના હે, યહાં સે ચોકલેટ નિકલેંગી, ઉસી તરહ સે સારે ઓપન કરને હે, એસે એસે કુછ ના કુછ ટ્રીટ નિકલતી હે બચ્ચો કે લિયે। તો પહેલે લાતી થી મેં, અભી કિતને ટાઈમ સે લે લિયા હું। क्रिसमस क्राफ्टिंग का बहुत सारा सामान आ गया है, तो शिव को वो पसंद आ रहा है ना शिव। हाँ। तो इसमें टाइम भी अच्छे से जाएगा और सीखेंगे भी। तो शिवांश ने चूज किया है क्रिसमस मग पेंटिंग करने के लिए, और उसमें क्या पीना है? हॉट चॉकलेट। क्रिसमस पे हॉट चॉकलेट विंटर में है ना। और यहाँ पे आदि ने ले लिया है प्लेडो। प्लेडो आदि नो फेवरेट ही वो। गुड। नवंबर है तो सभी जगह पे क्रिसमस क्रिसमस ही दिखाई देगा, जहाँ पे भी देखो सब कुछ क्रिसमस का है ना। शिव इन्हें कोई यार मग न खिला मारो छे तो कई चाय ले पी किया माथी चाय ना पी ना तने सो पीवा ना ओके।
શું બનાવતી સવાર સવાર માં? તમારી ફરમાઈશ હતી ભાખરી ની, તો આજે ઇન્ડિયા થી આવ્યા પછી ફર્સ્ટ ટાઈમ બની રહી છે. ના તો એટલે જ ને. ગિરીશ કો પૂછે ક્યા ખાના હૈ, क्योंकि मुझे आज पता नहीं सुबह सुबह मैगी खाने का मन हो गया. बच्चों को तो होता ही देव तो डेली खाता हुई ना, डेली का ही मैगी नहीं. चले क्या भाकरी बने तू कैसो? भाकरी नहीं बनाती. हाँ पर शाक रोटली में बधुं होय ज छे, बट भाकरी तमने भाव एटले करी दो. मैं क्या ना पाड़ी, थोड़ो लोट ढीलो थई गयो तो ने एटले आवी रीते करवी पड़े. आदत नहीं है भाकरी की मेरे को. मैं रोटी ज्यादा बनाती हूँ, भाकरी कम बनाती हूँ. तो यहाँ पे आज गिरीश के लिए बन रही है गर्मा गर्म भाकरी. भाकरी जोड़े मरचा ये तो अथाणा માં આવે. બીજું ગિરીશ ને એક તો ભાખરી કરી દે ને એમાં હત્તર લફડા, એટલે જ હું ગિરીશ મને એમ થાય કે તમને ભાખરી કરી દે ત્યારે આપવાનું હું. આ જો હળદર કાપી છે જો, એ અથાણું કે ભૂંકા. सुबह सुबह यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों ने ये सोफा वगैरह सब कुछ साइड पे रख दिया है. यहाँ पे खेल रहा है घर घर और कुछ भी तो. और यहाँ पे क्या चल रहा है गिरीश? मैच 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 मैच. कितने लोग आए हैं? क्या बोल रहे थे आप? वो स्टेडियम की कैपेसिटी है 150,000 भी. अभी ऑलरेडी 135,000 है. है ना? फुल फुल. रील का तो जवाब ही नहीं. जहाँ देखो वहाँ पे रील आ रही है कि अहमदाबाद जहाँ पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जा रहे हैं. आई मीन ज्यादातर यंगस्टर्स जो बॉयज वगैरह है उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना क्रिकेट का, तो सब लोग प्लेन में भी वही बातें करते जा रहे हैं. टिकू बहन की सास ससुर जो अभी इंडिया गए ना, वो बता रहे थे कि प्लेन में सब भी बॉयज लड़के इतने ज्यादा थे ना, वो जो स्पेशल मैच देखने के लिए जा रहे हैं. जा रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग. तो आपको नहीं जाना नेक्स्ट वर्ल्ड कप में? वो तो आपका कब आएगा पता नहीं. वो आएगा 2027 में. अच्छा हाँ तब जाना. तो सवा दो बज गए हैं संडे का दिन. और गिरीश क्या है मैच का स्टेटस वो बता दो मुझे, तो कोई पता नहीं चलता उसमें. तो हमारे तो वो बता फाड़े थे आता है, इंडिया जीते इंडिया जीते करी करी. सिचुएशन पे तो डिपेंड रही ना. एवं हाँ अब फिक्स ना थी इतने बता ना मोड़ा जीना थी गया. विकेट जती रही तो इंडिया जीते हम से न कदा वैसी. अच्छा इसीलिए जयदीप ने बोला है कि नेक्स्ट स्टोरी अभी रखूंगा ना, अगर जीतेगा ना इंडिया तभी रखूंगा वरना नहीं. तो मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज तो आ गया कि ऐसा कुछ ही है, वरना तो इंडिया स्कोर थोड़ा ऊंचा किया है. है ऊंचा? अरे यार इंडिया वाला का इंडिया में रहने तो इंडिया जिताड़ो. 270 था ना तो वहां तो 240 रन किया. 30-40 रन ऊंचा है. अच्छा ऐसा है. आज तो पटेल समाज का जो है वो दिवाली फंक्शन है, वहां पे भी इन लोगों ने ना क्या बोलते हैं फाइनल मैच का जो है पूरा सेटअप किया हुआ है स्क्रीन वगैरह का और सब कुछ. तो फेल जाएगा अगर जो हार गए तो. फेल तो क्या है, रमत है. फेल है ना तो फेल तो कोई क्यों इंडिया. हाँ तो हार जीत तो लेवानी. हाँ तो देखते हैं अभी मैं वर्ल्ड कप आए हुए हम. वो भी है, देखते हैं. राजू भाई को बोले मैं थोड़ी सी क्लिप मेरे को भेज दे, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी कि कैसा माहौल है पटेल समाज की दिवाली का फंक्शन का वहां पे. और यहाँ पे तो हमारा क्या चल रहा है, मूवी, क्रिसमस मूवी. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना शिवू. मैच आए या कुछ भी, हम लोग तो हमारे क्रिसमस के जो मूड है ना वाइब्स के उसी में है, तो वो चलता रहता है. तो गिरीश आपका तो नाम और फोटो सब कुछ आ रहा है पटेल समाज में. राजू भाई को बोला कि क्लिप्स भेजिए, तो जब भी विकेट जाएगी ना तभी आवाज करेंगे ना सब लोग, तभी भेजेंगे. तो विकेट पर अच्छा आऊ तो बाकी तो छे नहीं आवशे कौन है कभी तो हूँ आ वीडियो में आ मुकू नहीं तो काल ना वीडियो में मुकू नहीं है मां. विकेट विकेट जैसे तो आवशे हाऊ वालों एवं छे. हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो आधा घंटा वेट कर लेती हूँ. राजू भाई की क्लिप्स अगर आएगी तो इस वीडियो में रखूंगी, वरना कल के वीडियो में रखूंगी कि कैसा माहौल है वहां पे भी. हम लोगों ना थोड़ा तबियत अप डाउन था इसलिए नहीं जा पाए, वरना हम लोग भी जाने वाले थे लंदन में जो दिवाली फंक्शन है पटेल समाज का वहां पे. पर थोड़ी सी क्लिप्स राजू भाई को बोला है वो भेज देंगे, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी. और अभी तो मुझे बाहर वॉक करने जाने का मन हुआ है. गिरीश क्या बोलते हो आप? કેટલા સિરિયસ છે જો તો મેચ? કેટલા વર્ષ પછી મેં એક પહેલી મેચ જોઈ છે આખી. કઈ વાંધો નહીં, તમે એન્જોય કરો બસ. તમે જોયા આમાં એડવર્ટાઇઝ આવે? તમે નહોતા જોયા વરના તો રાજુભાઈ ક્યાં વો ક્યાં બોલતે હૈ ક્લિપ્સ આઈ હોતી પર નહીં આઈ હૈ. તો આજ મુજે અભી તો વિડિયો કહીં યહીં પે કરના પડેગા. કલ કે વિડિયો મેં રખુંગી ક્લિપ્સ વગેરા જો દિવાળી ફંક્શન મેં કેસે કેસે ઇન લોગોને એન્જોય કિયા વગેરા. और यहाँ पे ये दोनों बाहर निकल गए हैं खेलने के लिए, शिवांश और आदि. इसको तो ट्रैम्पोलिन बहुत याद आ जाता है.
ये फिर से जमा हो गया, ये सब कुछ अभी करेंगे जब भी थोड़ा थोड़ा धूप आएगा ना तभी सूख जाएगा। फिर हमारे गेंदे के फूल वगैरह भी देखो चले गए सब, एक दो रह हो गए, अब ये सब कुछ काट देना है। हेलो एवरीवन, ये फ्लावर बधाई सीजन मारे ना समर માં જ રહે એટલે હવે તો બસ એન્ડ આ પ્લસ માં છે, આપણે લોકો બોનસ માં છે, આ બધું આવે છે ને। एनीवे चलो अभी जो है वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ, कल मिलते हैं ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे क्लिप आ गई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँ, तो ये देखिए सब लोग ने स्क्रीन पे ही लगा दिया है जो मैच का है वो सब कुछ सेटअप, तो सब लोग बैठे हुए हैं पर इतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे। अगर तो जैसे मैं अंदाज लगा रही हूँ 50-50 होगा तभी ये सब लोग बैठे हुए हैं और बस ऐसे ही देख रहे हैं, वरना तो कूदते होते सब लोग। चलिए देखते हैं क्या होता है। होती होगी तो मैं हर खबर का खावा मड़े नहीं मजा आवे। 80-20 થઈ ગયો રેશિયો। ઓ નો રીલી 20% ચાન્સ ઇન્ડિયાનો હવે, કે લગભગ ઓલમોસ્ટ બધી ઓવર માં બાઉન્ડરી જાય છે, ઇન્ડિયા ની બાઉન્ડરી જ નથી જતી। એટલે આ પાર્ટનરશિપ જે ચાલે છે ને તૂટી બહુ જરૂરી છે, 150 પહેલા બે વિકેટ જાય તો જ મેળ આવે હવે તો।